Good evening, everyone. This is Savita Anjana, your maths educator. Beta, am I audible and visible to all of you? Hello, bita, Am I audible and visible? Please confirm once. Uh, I am uh, visible, that I know, but am I audible? चलो सो आई नो बेटा वी आर मीटिंग आफ्टर अ फ्यू डेज क्योंकि बीच में हाय आर्या आर्या बच्चे एम आई ऑडिबल थोड़ा सा uh, था आई वॉज अ लिटिल बिजी तो ओके बेटा ओके अनुराग हे प्रिंसेस गर्ल हाय बच्चे हाय आयुष हाय हर्षल बेटा एक बार बताओ एम आई ऑडिबल काबी जीना हाय सोहम हाय हाय यशस्वी 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 हाँ अभी ठीक है हाय वानी हाय विजय थैंक यू अनुराग थैंक यू सो मच बेटा हाय विजय हेलो हाय विशाली हेलो सोहम ऑडिबल थैंक यू बेटा हाय अंजन हाय मित्रों स्टडी आय अंशुमन हर्षल हे बेटा हाय जानवी, चलो वेरी गुड हाय धर्मेंद्र हेलो बेटे गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा तो चलो जिन बच्चों की अभी कुछ मिस हो गया अभी बात करते हैं पहली बात तो सब आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई बेटा और आज और मैं दो तीन दिन बीच में मिस हुआ है आई थिंक एक लेक्चर बीच में मिस हुआ है जो मैं आपसे इंट्रोडक्शन नहीं कर पाई थैंक यू बच्चे थैंक यू अनुराग सो so, आज अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर तीन ऑन इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री और जो स्टूडेंट जानना चाहते हैं मैम प्लस क्लासेस कब से होंगी तो आई थिंक आज कितने डेट है बेटा आज है सेवन राइट एट है राइट नाइन टेन इलेवन इलेवन या ट्वेल्थ से अपने सेशन शुरू हो जाएंगे बोथ क्लास ट्वेल्थ के भी क्लास इलेवेंथ के भी प्लस पर चलो येस yes, बिल्कुल बढ़ियाओं वानी बिल्कुल बढ़िया हाई ब्राइट फ्यूचर बिल्कुल बढ़िया वैशाली हाय विजय शैम्पू हेलो बेटा चलो सेशन शुरू करते बिना किसी देरी के सो so, जो स्टूडेंट्स मुझसे पहली बार मिल रहे हैं बेटा मेरा नाम है एम यू मैथ्स एजुकेटर आई हैव डन एम एस सी एन पी एच डी इन मैथ्स और मुझे करीबन दस साल हो गए हैं पेपर पढ़ाते हुए एंड आई वॉज अ कॉलेज टॉपर इन यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर इसके साथ-साथ बताऊं बेटा आप टेलीग्राम के चैनल अनअकैडमी 11th एंड 12th को ऐड कर सकते हो क्योंकि यहीं पर आपको सारे अपकमिंग सेशंस की इंफॉर्मेशन सारे इंफॉर्मेशन यहीं पे मिलने वाली है ओके okay. इसके बाद बेटा अनअकैडमी कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि आप क्लास 11th के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है ये हर संडे को होगा 1:00 बजे जिसमें आप 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो फ्री लाइव टेस्ट होगा एंड्रॉइड ऐप पर और वैप पर थर्टी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक घंटे में इंग्लिश और हिंदी में टेस्ट होगा और एनरोल आपको होना है फ्री में और एनरोलमेंट लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में आना अकेडमी सब्सक्रिप्शन फीचर्स के बारे में बता दूं बेटा आना अकेडमी आपको दो तरीके के सब्सक्रिप्शन प्लान प्रोवाइड करती है एक है प्लस और एक है आइकॉनिक दोनों प्लान की अपनी खूबियां हैं जो मैं आपको भी बताऊंगी एक तो बेटा ये है कि देखो ट्यूशन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको जो भी डाउट है जो भी आप आप घर पर बैठकर इंडिया के टॉप एजुकेटर से पूछ सकते हो उनसे पढ़ सकते हो अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सारे के सारे कोर्सेज का रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशन होगा आंसर राइटिंग सेशन होगा पूरा का पूरा सिलेबस कवर होंगे मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलेगी स्टडी मटेरियल मिलेगा प्रैक्टिस टेस्ट होंगे लाइव टेस्ट होंगे और बैच में कोर्सेज आपके शुरू होंगे ये सारे फायदे हैं प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान के ये प्लान ट्वेंटी फोर मंथ्स एटीन मंथ फिफ्टीन टवेल्व नाइन और सिक्स मंथ्स में मिलता है कोई भी प्लान लीजिए और मेरा कोड यूज यूज कीजिए सपोज दिस इज माय कोड इज नॉट सपोज सविता है आप कोड यूज़ कीजिए आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा हर एक ऑफर पर जैसे कि अगर आप ट्वेल्व मंथ्स का प्लान देखोगे तो सिर्फ ट्वेल्व पे करना होता लेकिन कोड यूज करके आपको सिर्फ एलेवन पे करना होता इसी के साथ अन अकेडमी आईकॉनिक में छह एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलेंगी एक तो आपको पर्सनल मेंटोर मिलेंगे लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होगा वीकली रिपोर्ट मिलेगी आपके पेरेंट्स कनेक्ट कर पाएंगे स्टडी प्लानर मिलेगा और अन अकेडमी आपके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं ये प्लान बेटा 48 एट मंथ थर्टी सिक्स मंथ ट्वेंटी फोर एटीन फिफ्टीन ट्वेल्व नाइन सिक्स और थ्री मंथ्स में मिलता है आप कोई भी प्लान ले सकते हो हर एक प्लान पे मिलेगा टेन परसेंट ऑफ अगर आप क्या यूज करोगे क्या यूज़ करोगे मेरा कोड यूज करोगे तो क्या मिलेगा बेटा टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा और बग्स बाउंडी आप सभी लर्नर्स के पास अपॉर्चुनिटी तो है टू तो रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेंट इसके लिए आपको प्राइज भी मिलेगा और इफ़ यू आर द फर्स्ट वन और रिपोर्ट कोई भी आप जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर जाकर ठीक है तो आज हम अपना इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशन को आगे कंटिन्यू करते हैं सो so, हम थैंक यू बेटा अच्छा आयुष मैम आप यहाँ पर कितने सालों से पढ़ा रहे हो बेटा एक भी साल नहीं हुआ मुझे सिर्फ तीन महीने हुए हैं अभी यहाँ पर पढ़ाते हुए थैंक यू सो मच रिश्ता बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा थ्री है आप थ्री को जीरो से डिवाइड करो आप जीरो से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे यू ऑलवेज गोइंग टू गेट जीरो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है समझ रहे हो तो इसीलिए यू कांट डिवाइड नंबर बाय जीरो क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आप उस नंबर को नहीं ले सकते हो इसीलिए जीरो से वो नॉट डिफाइंड होता है कि नहीं है हम नहीं बता सकते गर्वी थैंक यू बेटा बट आई थिंक अभी दिख रहा है कोड वैशाली कोड बच्चे एस ए वी आई टी ए सविता इज द कोड अनुराग आप प्लस पर हैं बच्चे अनुराग प्लस पर मैं क्लासेस शुरू कर रही हूँ पहले मॉर्निंग में होती थी नाउ आई विल चेंज टाइमिंग आफ्टरनून में क्लास होगी और अब हम शुरू करेंगे वहां पर लीनियर इन एंड दैट इज थ्री डेज लेटर मतलब थर्टीन से हम क्लासेस शुरू करेंगे ट्वेल्व या थर्टीन से ठीक है बेटा थैंक यू प्रिया थैंक यू सो मच बच्चे दैट मीन्स अ लॉट हाई गर्वीत चलो अपना सेशन शुरू करते हैं बेटा हाई जिया चलो अभी सेशन शुरू करते हैं तो पहली बात ये बेटा अब तक मैंने आपको दो तीन फॉर्मूले बताए हैं वो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली फॉर्मूले इतने ही है इस चैप्टर में पहला फॉर्मूला था डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है क्या पढ़ा है आपने अलोन माफिया डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है बेटा अगर दो पॉइंट है आपके पास एक्स वन वाई वन जी वन एक्स टू वाई टू जी टू तो इनका डिस्टेंस कैसे निकलेगा अंडर द रूट एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वेयर प्लस जेड टू माइनस जेड वन एक चीज और थ्री डायमेंशन का मतलब मैं आपको बता चुकी हूं अब आप प्लेन में ना होकर स्पेस में हैं और स्पेस में कोई भी चीज का पोजीशन बताने के लिए तीन डायमेंशन की जरूरत पड़ती है एक है एक्स एक्सिस एक है वाई एक्सिस एक है जेड एक्सिस बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगी दीपक हाय बेटा हाय दानिश वैशाली आई होप बच्चे आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक है बाकी बच्चा बेटा लैग तो नहीं हो रहा ना ये भी बताती हूँ यशवंत मैंटी भी बताती हूँ तो इतना देखो बेटा पहले इतना ये डिस्टेंस फॉर्मूला आप कर चुके हो मैंने स्पेस का आपको एग्जांपल दिया था कि आप एक रूम में हैं रूम के जब आप एक कोने को देखोगे उस कोने में से तीन लाइन पास हो रही है तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती है आपने नोट किया बेटा अब अग, अगर अभी आप रूम में बैठे हैं ऑब्वियसली तो आप देख सकते हो कि कॉर्नर में तीन लाइन जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती हैं एक लाइन को एक्स एक्सिस मान लीजिए एक को वाई एक्सिस एक को जेड एक्सिस तो ये हो गया आपका थ्री डायमेंशनल स्पेस जिसमें तीन डायमेंशन आ जाते हैं उसको स्पेस बोल देते हैं जिसमें दो डायमेंशन आते हैं उसको प्लेन बोल देते हैं तो अब हम थ्री डायमेंशन में जो फॉर्मुले हम प्लेन में पढ़ के आए हैं उनको एक्सटेंड कर रहे हैं ठीक है थैंक यू बच्चे नमस्ते दीपक नो लैक दीपक थैंक यू थैंक यू गर्वीर अरे हर हर महादेव सक्षम ये चैप्टर विद्री डायमेंशनल ज्योमेट्री गुड इवनिंग अत्यंत चलो थ्री डायमेंशन बेटा इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री ये चैप्टर का नाम है तो पहले हमने डिस्टेंस फॉर्मूला किया उसके बाद उसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन फार्मूला अब सेक्शन फार्मूला जो है बच्चे दो टाइप का था एक था इंटरनल सेक्शन फार्मूला और एक था एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला इंटरनल सेक्शन फार्मूला में अगर आपने x निकालना है x कोऑर्डिनेट निकलेगा y कोऑर्डिनेट निकलेगा z कोऑर्डिनेट निकलेगा वो होगा m टाइम्स एक्स वन प्लस एन टाइम्स एक्स और इसको एक्सटर्नल में, तो में बीच में माइनस आ जाएगा दोनों में सेक्शन फॉर्मूले के बाद आपने पढ़ा था सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है सेंट्रोइड के सिंपल फॉर्मूले थे अगर किसी ट्राइंगल के तीन वर्टिस हैं एक्स वन वाई वन जेड वन X2 Y2 Z2 X3 Y3 Z3 तो इसके सेंट्रोइड सेंट्रोइड होता है ऐसी पॉइंट जो मीडियन पे लाई करता है मतलब ऐसी लाइन जो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और इस रेशों को two two one में डिवाइड करे उस पॉइंट को सेंट्रोइड बोलते हैं सेंट्रोइड निकलेगा X1 plus X2 plus X3 by three Y1 plus Y2 plus Y3 by three correct नहीं शेम्पू ये थर्ड लेक्चर है बेटा इससे पहले दो में हम ये फॉर्मुले को सेपरेटली कवर कर चुके हैं ओके मैं देख पा रही हूँ बेटा स्क्रीन पे इट्स इट्स ओके इट्स फाइन राम राम बेटा जी आज सिर्फ क्वेश्चन होंगे दीपक अच्छा एक बात और बता दो बेटा आपका जो टर्म टू होगा उसमें एमसीक्यूज नहीं आएंगे कोई एक दो एमसीक्यूज आएंगे पेपर के बीच में जो पूछ ले जाते हैं बट जैसा नॉर्मल पेपर होता है ना कि शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे फिर आपके लॉन्ग लेंथ वाले क्वेश्चंस भी आएंगे तो हम जैसे पहले प्रिपेयर करते थे पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करते थे हम वैसे ही करने वाले हैं कैन वी कन्वर्ट कोऑर्डिनेट्स इनटू वर्टिसेस बेटा एंड कोऑर्डिनेट्स एक ही बात होती है वर्टिसेस का मतलब होता है कि ये ट्राइंगल के तीन कोने और इन तीन कोनों की पोजीशन बताते हैं कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है जो पोजीशन बताए जैसे आपका प्लेन उड़ रहा है तो प्लेन से पूछा जाता है कोऑर्डिनेट्स बताइए प्लेन को प्लेन में कोऑर्डिनेट्स बताए जाते हैं वही लोकेशन होती है तो इन तीन वर्टिसेस की लोकेशन जो है वो कोऑर्डिनेट्स से बताई जाती है जैसे कि एक्स वन वाई वन जेड वन या नंबर्स में बोलू जैसे टू थ्री फोर इसकी पोजिशन है वन टू थ्री यानी कि एक्स एक्सिस से वन डिस्टेंस पर वाई एक्सिस से टू डिस्टेंस पर जेड एक्सिस से थ्री डिस्टेंस पर Uh, आर एस अग्रवाली आर डी शर्मा में से कौन सी बेस्ट है बेटा दोनों ही अच्छी है बोथ इक्वली गुड जो भी आपके पास है या आपके स्कूल में बताई गई है आप वो ले सकते हो दोनों में से ऐसा कुछ नहीं है कि एक में ज्यादा एक में कम है बोथ आर इक्वली गुड ओके वैशाली हेलो संदीप चलो गुड बेटा इतना रिवाइज हुआ सबका ये जो फॉर्मुले हमने पिछले दो लेक्चर्स में कवर करें ये मैंने अभी आपको बताया अब हम पूरा क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट ऐसे आएगा पूरा का पूरा निकालना हाँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं आयुष सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आज एक्चुअली मिसलेनियस के क्वेश्चन मैंने लिए है ना मिसलेनियस के क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं तो मैंने सारे रख लिए हैं मतलब मैक्सिमम रख लिए हैं सो आ जाते हैं अभी नेक्स्ट वाला करते हैं हाँ हाँ यस वैशाली देखो एनसीआर जब आप ट्वेल्थ में जाओगे ना नेवर कि पीछे बिना किए बोर्ड में नहीं जाना है एनसीआरटी जो है आपका सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट बोर्ड का पेपर डायरेक्टली एनसीआरटी से आता है दूसरा जो बच गया वो एनसीआरपलर से आता है एनसीआरपलर भी बेटा जरूर करना है क्योंकि यहाँ से आपका एटी पेपर कवर हो जाता है बाकी आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा की जरूरत क्यों पड़ती है प्रैक्टिस के लिए क्योंकि एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चंस नहीं है कि आप एक जैसे आपको दस जाएं वो कमी पूरी करती है आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल दोनों में से कोई भी और मैं तो कहूंगी अगर आप एलिमेंट्स लेना लेना चाहते हो हो एलिमेंट्स ले सकते इसके अलावा कोई और बुक लेना चाहते हो वो ले सकते हो इट डजेंट मैटर ठीक है मेन ये है कि ये जो है टिप्स पे होनी चाहिए दोनों बुक्स और इन्हीं के सिमिलर क्वेश्चन इनमें मिलते हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जैसे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन मिल गया इसमें उस इस तरीके के दस क्वेश्चन मिल जाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपको मैथ बिना प्रैक्टिस के मुश्किल हो जाता है नंबर लेना इसलिए प्रैक्टिस के लिए वो जरूरी है यस संदीप एनसीआरटी एक्चुअली बिटा वन ऑफ द वेरी बेस्ट बुक्स लेट मी टेल यू हम थोड़ा सा इग्नोर कर जाते हैं क्योंकि बहुत क्रिस्प होता है इसमें चीजें बहुत शॉर्ट में गिवन होती हैं बहुत कम शब्दों में बातें बोली होती हैं लेकिन ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बहुत क्लियर वो है एक बार आप दूसरी बुक्स में तो अच्छे से पढ़ लोगे एनसीआरटी करोगे तो एनसीआरटी इज एक्चुअली टफ एंड वेरी क्रिस्प बुक ये छोड़ के नहीं जानी है जरूर करिए अब आ जाते हैं थ्री डायमेंशनल दिम, ज्योमेट्री में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पहला example आपके सामने है महेश शो दैट द ए बी सी एंड डी आर ऑफ अ पैरलोग्राम बट इट इज नॉट अ रेक्टेंगल अब आपने बताना है अब आपके पास चार वर्टिसेस हैं एक वर्टेक्स है ए विच इज वन टू थ्री दूसरा पॉइंट है बी विच इज माइनस वन माइनस टू माइनस वन एक पॉइंट है सी टू थ्री टू एक पॉइंट है डी फोर सेवन एंड सिक्स अब आपने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया और इनसे जो फिगर बन रही है आपने बताना है कि ये पैरलोग्राम है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है तो ये आप आंसर तभी दे पाओगे जब आपको पैरलोग्राम और रेक्टेंगल का डिफरेंस बताओ तो इस चैप्टर को करने के लिए आपको बहुत क्लियर होना चाहिए स्क्वायर क्या होता है रोम्बस क्या होता है रेक्टेंगल क्या होता है और पैरलेलोग्राम क्या होता है तो आज का होमवर्क ये है बेटा दो चीजें मैं अभी बताऊंगी बाकी जो दो चीजें बच गई हैं ये आपने आज घर जाके पता करना है कि इनमें क्या डिफरेंस होता है मेन तो डिफरेंस पता करना जैसे कि मैं बताऊं स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होती है रोम्बस की भी चारों साइड्स बराबर होंगी लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों में डिफरेंस है उनके डायग्नल में एक के डायग्नल इक्वल होते हैं एक के डायगनल इक्वल नहीं होते दैट्स योर पार्ट टू गिव द आंसर कि कौन सा क्या होगा करेक्ट नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज

ओके वेरी गुड सो सबसे पहले बताते हो बेटा रेक्टेंगल और रोमबस में क्या डिफरेंस होता है तो जो आपका रेक्टेंगल होता है ना रेक्टेंगल की अपोजिट साइड तो इक्वल होंगी ही होंगी लेकिन इसके साथ में इनके डायगनल भी क्या होते हैं बेटा इक्वल होते हैं इनके डायग्नल भी क्या होते हैं बच्चे इक्वल होते हैं ओके अब सही है ओके सो so, और पैरलोग्राम की क्या खास बात है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे एक बड़ा मिलेगा एक छोटा मिलेगा एक छोटा इक्वल नहीं होते तो अभी देखो इन क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि इन पॉइंट्स को आपने प्रूव करना है कि ये किसी पैरलोग्राम के वर्टे वर्टिसेस हैं लेकिन रेक्टेंगल के वर्टिसेस नहीं है तो पहले तो आपको इसके चारों साइड निकालनी पड़ेगी ये दिखाना पड़ेगा कि ऑपोजिट साइड आर इक्वल तो वहां से प्रूव हो जाएगा पैरलोग्राम है फिर आपको निकालने पड़ेंगे इसके डायगनल और ये चेक करना पड़ेगा कि डायगनल भी इक्वल है अगर इक्वल है तो रेक्टेंगल होगा अगर इक्वल नहीं है तो होगा अच्छा एक बात मुझे ये बताओ अगर इक्वल आ जाते हैं तो वो पैरलोग्राम होगा कि नहीं होगा जस्ट ए सिंपल क्वेश्चन यहां पे तो मैं रेक्टेंगल की बात करूंगी एक्चुअली डिफरेंस भी नहीं कहूंगी पैरलोग्राम एक्चुअली सबसेट होता है रेक्टेंगल का यानी कि आ, नहीं रेक्टेंगल uh, जो है सबसेट होता है पैरलोग्राम का कि कुछ पैरलेलोग्राम जो है वो रेक्टेंगल बन जाएंगे कौन से पैरलोग्राम रेक्टेंगल बन जाएंगे वो पैरलोग्राम रेक्टेंगल बन जाएंगे जिनके डायगल्स इक्वल आ गए और जिन पैरलोग्राम के डायगल्स इक्वल नहीं आए वो रेक्टेंगल नहीं बनेंगे सिमिलरली ऐसा रोम्बस जिसके डायगल्स इक्वल आ जाएंगे वो स्क्वायर बन जाएगा तो बड़ा सेट कौन सा है पैरलोग्राम बड़ा सेट है पेरलोग्राम सिर्फ एक ही कंडीशन देखता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है या नहीं है अगर उसमें एक और कंडीशन ऐड कर दी कि डायगोनल्स भी इक्वल हो जाए तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा थैंक यू गर्वी, थैंक यू बेटा चलो वेरी गुड गुड हाँ डायगोनल है साक्षी बिल्कुल बढ़िया बेटा हाय साक्षी हेलो हेलो अरे ऐसी बात नहीं है बच्चे हेलो मैम हेलो संजना विनीत क्यों नहीं लूंगी बेटा नाम तो अब इस क्वेश्चन को करो मुझे जल्दी से ए बी बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है ए बी की लेंथ बताओ कितनी निकल के आई सारे बच्चे कैलकुलेट करेंगे फिर बी सी की लेंथ बताइए फिर सी डी की लेंथ बताइए और फिर डी ए की लेंथ बताइए बताइए बेटा जी कितनी लेंथ आई है एवरी वन नाउ एम गिविंग यू टाइम टू टेल मी द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए डिस्टेंस फॉर्मले से कैलकुलेट करनी है एक मैं कैलकुलेट कर देती हूँ हाई महेश जैसे कि ए बी में होगा आ, मैं सीधा लिख देती हूँ बेटा वन माइनस माइनस प्लस वन कर देती हूँ स्क्वायर टू माइनस टू टू प्लस टू स्क्वायर एंड थ्री प्लस वन फोर स्क्वायर तो ये आ जाएगा आपके पास वेरी वेरी गुड गुड बेटा, बच्चे, योग्यता समझ में नहीं आ रहा है बेटा आप एक बार अगर आ, वो आपको ना पहले वाले दो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे फिर तो जो मैंने कराए मंडे को एंड वेन्सडे को लास्ट वीक हेलो श्रद्धा थैंक यू गर्वीत। आंसर बताओ बच्चे जल्दी से बीसी बताइए कितना निकल के आएगा लेंथ ऑफ बी एन सी हेलो बच्चे ये कैलकुलेट करो कैलकुलेट करो फटाफट से कितना निकल के आया ये आएगा ट्वेंटी फाइव नाइन एंड नाइन एटीन प्लस ट्वेंटी फाइव रूट फोर्टी थ्री आया रूट फोर्टी थ्री करेक्ट बहुत है डी निकालोगे फोर में से टू गया तो चार में से दो गया दो का स्क्वायर चार सात में से तीन गया चार चार का स्क्वायर सिक्सटीन छे में से दो गया तो चार बचा इसका स्क्वायर भी सिक्सटीन सोलह सोलह बत्तीस और चार छत्तीस रूट छत्तीस सिक्स निकल के आया ओके okay. खुनाली क्या बेटा क्या कर रहे हो नहीं दिख रहा रूट का साइन रूट का साइन नहीं मिलेगा बेटा लैपटॉप में करेक्ट ये सी निकल गया ए डी जो है एडी बेटा ये सिक्स रूट फोर्टी थ्री ठीक है सी डी सबका सिक्स निकल गया है ये रूट फोर्टी थ्री निकल गया तो ऑपोजिट साइड्स हो गए इक्वल अब मुझे ए सी डायगनल और बताओ डायगनल्स की वैल्यू और बताओ एसी कितना आया ये बताइए एंड बी डी कितना आया ये बताओ जोहान वेलकम टू दर्शन बेटा जोहान आप कौन सी सिटी में रहते हो गर्वीत ये तो नहीं बता सकती बेटा अभी चलो वेरी गुड एसी की वैल्यू बताओ जल्दी से कैलकुलेट बताओ स्पीड बढ़ाओ देखो अभी मैं आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी सोचो कि मैम अभी इलेवेंथ है पढ़ लेंगे या अभी टाइम है मैम अभी फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स खत्म हुए हैं पर आई एम टेलिंग यू बेटा दीज टू क्लासेस आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड अभी अब क्लास इलेवेंथ में तो अभी तो कुछ भी देर नहीं हुई है आपने टाइम टेबल अपना चेक करना है कि ये टाइम टेबल ट्वेल्थ में भी सही रहेगा कि नहीं रहेगा फिजिक्स को पढ़ के देखो केमिस्ट्री को पढ़ के देखो मैथ्स को पढ़ के देखो टाइम टेबल बनाओ रूटीन बनाओ discipline is very important in class 11th to get good marks in class 12th let me tell you 12th class ka pura ka pura jo aapka result hai na wo 11th pe bhi depend karne wala hai root 3 root 3 निकल के आया under root 3 very good b d ki value और निकालो बच्चे deepak yashwant vaishali ये और निकालो बच्चे ए सी रूट थ्री निकल के आया वेरी गुड श्रद्धा बी डी की वैल्यू निकालो बेटा दो में से एक गया तो बचेगा वन का स्क्वायर वन तीन में से दो गया वन का स्क्वायर वन अरे बड़ा आसान था यार रूट थ्री आएगा करेक्ट हाय करण नेक्स्ट आंसर बताओ बेटा बी डी की वैल्यू बताइए गुड इवनिंग बेटे गुड इवनिंग डी की वैल्यू बताइए अंडर द रूट वन फिफ्टी फाइव ऐसा है बच्चे लेट मी सी तो फोर वन फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव सेवन 2 टू नाइन हो गया एटी वन साथ सेवन का फोर्टी नाइन करेक्ट वन फिफ्टी फाइव वेरी गुड जीते रहो बेटा जीते रहो सही है बिल्कुल सही है वैशाली चलो नेक्स्ट करें वेरी गुड दीपक सो यहां से अब आप आंसर में पता है क्या लिखोगे ओनली ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल दे फॉर इट कैन बी अ पैरलेलोग्राम

केमिस्ट्री के लिए कोई नई क्लास आयुष बेटा केमिस्ट्री का मुझे अभी आइडिया नहीं है आप एक बार केमिस्ट्री वाली मैम से पूछिए नो गर्वित बेटा अभी आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दो ठीक है चल जल्दी से इसका आंसर बताओ तो ज्योमेट्री पे आपके पास इसका कुछ कोर्डिनेट नहीं गिवन है तो मान लेते हैं एक्स है वाई है, है और जेड है सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी का डिस्टेंस जो है ए पॉइंट से विच इज थ्री फोर माइनस फाइव एंड बी पॉइंट से विच इज माइनस टू वन एंड फोर आर इक्वल फाइन द इक्वेशन फाइन द इक्वेशन ऑफ दी आर एजलट करो बेटा बताओ क्या होगी इक्वेशन बताओ क्या होगी बिल्कुल बढ़िया बेटा हवाई ओके दीपक नो इश्यूज बेटा ना कैलकुलेट करो पी ए की वाल्यू हो कितनी होगी पी ए निकल के आएगा आपका एक्स माइनस थ्री स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर स्क्वायर प्लस जेड माइनस फाइव स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स प्लस टू स्क्वायर वाई माइनस वन स्क्वायर प्लस जेड माइनस फोर स्क्वायर दोनों तरफ स्क्यर करो दोनों तरफ स्क्र करोगे तो इधर मिलेगा आपको एक्स माइनस थ्री स्क्वेयर प्लस वाई माइनस फोर स्क्वायर प्लस जेड माइनस फाइव स्क्वायर प्लस फाइव पाएगा ना एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फोर एंड जेड प्लस फाइव ठीक है एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फोर जेड प्लस फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू इधर भी एक्स प्लस टू स्क्वेयर वाई माइनस वन स्क्वायर एंड जेड माइनस फोर स्क्वायर कोई बात नहीं सलोनी करेक्ट करेक्ट दीपक जेड प्लस फाइव होगा बच्चे बिल्कुल सही कहा बैक श्रद्धा चलो आंसर करो अब स्क्वायर दोनों तरफ होल स्क्वायर के फॉर्मूले अप्लाई करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ए करेक्ट मैं सॉल्व कर रही हूं आप भी सॉल्व करो बेटा और इक्वेशन बताओ क्या निकली एक्स uh, वाली ले आइए ये, ये uh, इधर आएगा माइनस फोर सो माइनस टेन एक्स हो जाएगा ओके माइनस टू वाई इधर आएगा प्लस टू वाई होगा तो ये कैंसिल होके मिलेगा आपको माइनस सिक्स वाई और माइनस एट जेड इधर टेन जेड में प्लस हो जाएगा तो प्लस एटीन जेड अब बच गया इधर सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन सो ये माइनस ट्वेंटी वन आ जाएगा इधर इधर मिलेगा आपको पच्चीस पच्चीस पचास इज इक्वल टू जीरो तो आपके पास इक्वेशन बन गए बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद टेन एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस एटीन और फिफ्टी में आप ये, में आएगा ये आपके पास बच जाएगा ट्वेंटी नाइन इज इक्वल टू जीरो तो ये आ गया आपका आंसर बोलो बेटा इक्वेशन मिल गई सबको सबका आंसर आ गया बोलो बच्चों आंसर निकल आया ओके बेटे चलो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली exactly, यही आया वेरी गुड द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल अब आपके पास एक ट्राइंगल ए बी सी है इसका सेंट्रोइड गिवन है जिसको हम सी बोलेंगे माइनस फाइव कोमा सेवन

आयुष आपको ये चैप्टर अच्छा लगा अच्छा चैप्टर है गुड बेटे वेरी गुड सारे चैप्टर्स लगेंगे जब समझ में आते हैं ना तो सारे चैप्टर्स आसान लगते हैं और इंटरेस्टिंग लगते हैं वही बच्चे सब में ना प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है ना इजी प्रॉब्लम है ये दीपक दीपा तब तक सॉल्व करके बताओ बेटा करिए बेटा एक्स की वैल्यू वन आई है गुड बच्चे बाकी भी निकालो दीपक एक्स वन वाई वन यर्स वन पॉइंट सी इज वन वन टू ओके बाकी सब स्टूडेंट्स ने निकाला गुड बेटा गुड आयुष वेरी गुड दीपक यशवंत एन आयुष अभी तक तीन स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है नहीं समझ में आया श्रद्धा अभी बताती हूँ सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा वो यूज करेंगे और उसके बाद आपको आंसर्स मिल जाएंगे ठीक है जैसे कि अभी बताती सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय थ्री ये तीनों वर्टेक्स होते हैं अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू गिवन है एक वर्टेक्स गायब है तो ये है वन के इक्वल एक्स वन की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी है थ्री एक्स टू की वैल्यू है माइनस वन एक्स थ्री की वैल्यू हमें निकालनी है जो कि एक्स हमने एज्यूम करी है नीचे है थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई करो टू प्लस एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स इज इक्वल टू वन सिमिलर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वाई के लिए वन इज इक्वल टू माइनस फाइव प्लस सेवन प्लस वाई नीचे है थ्री दो आ जाएगा सो वाई प्लस टू की वैल्यू आ गई थ्री के इक्वल वाई की वैल्यू आ जाएगी वन के इक्वल सिमिलर फॉर्मूला वी विल अप्लाई फॉर जेड आपको मिलेगा सेवन माइनस सिक्स प्लस जेड बाई थ्री इज इक्वल टू वन सो वन प्लस जेड इज़ इक्वल टू थ्री जेड की वैल्यू आ गई टू तो आपका पॉइंट बन गया वन कॉमा वन कॉमा टू ये आंसर आया ठीक है थीके? और सबका सही है वेरी गुड बेटा वेंकट वेंकट बहुत बड़ा नाम है हाँ वही दीपक कोई नहीं चलो आयुष आयुष वैशाली गुड चलो इट्स अ टंग ट्विस्टर वैंकेट इट्स अ वेरी गुड टंग ट्विस्टर बताए आपको वैंकेटरा सिम्हा बिल्कुल चलो आयुष फिर देखेंगे बच्चे अभी तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी तो हम अभी चैप्टर कंप्लीट कर लें अच्छे से ना फिर गप्पे लड़ाएंगे फिर बातें करेंगे दो चार तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अब ये आ गया है तीन वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर गिवन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स अरे यार एक बात बताना भूल गई मैं हाय यानी वेलकम टू द सेशन बेटा अच्छा वैशाली हाँ ये वैंकेट की ना ट्रिक है कि एक बार जाके ना सारे टीचर्स से मैं पूछता हूँ कि क्या है है ना वैंकेट ऐसा है बेटा चलो अच्छा पहली बात तो ये बच्चे कि मैंने जब आपको पैरलोग्राम के बारे में बात बताई थी कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है डायगनल जो हैं वो इक्वल नहीं होते लेकिन डायगनल्स के बारे में एक बात आपको पता होना चाहिए कि पैरलोग्राम में जो डायगनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बाइसेक्ट करने का ये मतलब होता है बच्चे कि जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं जिस पॉइंट्स पर वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं दिस पॉइंट इज एक्चुअली द मिड पॉइंट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो इक्वल सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद है अगर x1 y1 z1 सपोज x2 y2 एंड z2 ये दो पॉइंट्स हैं आपके पास और आपने निकालना है इन दोनों का मिड पॉइंट तो मिड पॉइंट होगा x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 एंड z1 plus z2 by 2 तो so, निकालो बच्चे आंसर इस कॉन्सेप्ट का यूज करके यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स एक के कोऑर्डिनेट्स हैं थ्री माइनस वन एंड टू दूसरे के हैं वन टू एंड माइनस फोर थर्ड के हैं माइनस वन वन एंड टू एंड फोर्थ के हैं एक्स वाई एंड जी करिए करेक्ट बिल्कुल डायग्नल ऑफ पैरोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर इस कॉन्सेप्ट पर होगा वेरी गुड मोहित वंडरफुल वेंकटन वैंकेटनर सिम्हा जुआरी पेटा क्या बात है लिटिल लैग आई थिंक इट्स फाइन नाउ मैम आपका नया कोर्स कब आएगा अनिरुद्ध अनिरुद्ध अभी बता रही थी सेशन शुरू होने से पहले बच्चे थर्टीन को या ट्वेल्थ को लॉन्च कर रही हूँ लीनियर इन से शुरू करेंगे ठीक है थर्टीन को या ट्वेल्थ को करूंगी बेटा ओके अर्लीस्ट ऑन ट्वेल्थ एंड लेट से लेट थर्टीन इन दो दिनों में अपना कोर्स शुरू होगा टाइमिंग इस बार चेंज होगी आफ्टरनून या इवनिंग वाला सेशन लूंगी वो उसकी इंफॉर्मेशन आपको बता दूंगी टेलीग्राम पे यस दीपक यस बिल्कुल मिड पॉइंट फॉर्मुला यूज करो आंसर दीजिए पॉइजन हेलो बच्चे बट वाई दिस नेम यू आर सच ए स्वीट किड वाई सच नेम देन हेलो बेटा टू एंड एट वेरी गुड दीपक बाकी सारे स्टूडेंट्स भी निकालो इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए जल्दी से करो सारे के सारे स्टूडेंट आयुष आया वेरी गुड वेरी गुड दीपक सो नाउ सपोज द मिड पॉइंट निकालेंगे तो यहां से मिड पॉइंट निकल के सपोज इज द मिड पॉइंट डी के कॉर्डिनेट यहां से निकल के आएंगे थ्री माइनस वन थ्री माइनस वन बाई टू दैट मीन वन माइनस वन माइनस वन बाई टू सॉरी जीरो एंड टू प्लस टू बाई टू दैट इज टू तो ये आपका मिड पॉइंट आया और इधर से मिड पॉइंट वही आएगा यही से मिड पॉइंट माइनस फोर बाई टू इज इक्वल टू टू कंपेयर करो सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड देन सॉल्व करो x की वैल्यू आएगी टू माइनस वन वन एंड y की वैल्यू आएगी माइनस टू गुड गुड एक्स इज इक्वल टू वन वाई इज इक्वल टू माइनस टू Z माइनस फोर इज इक्वल टू फोर एंड Z इज इक्वल टू जेड बोलो जी बोलो और चार आठ आठ आ गया आंसर आ गया वन कोमा माइनस टू को माई एट वन कोमा माइनस टू को एट दिस इज योर पॉइंट बी जिसका आंसर निकालना था अरे नो 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 चलो गुड गुड दीपक यशवंत आयुष पॉइजन सब ने करेक्ट आंसर निकाला वेरी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले देखो बहुत आसान चैप्टर है और बच्चा मैं तो आपको ना एक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टाइप्स का एक एक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा या दो क्वेश्चन सॉल्व करा पाऊंगी बट नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक बार मैंने सारे फॉर्मूले करा दिए हैं और हर तरीके का एक क्वेश्चन करा दिया तो अब अपनी कोई भी रेफरेंस बुक लेके पहले तो उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो एनसीआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो तो जैसे ही आज जो क्लास होती है आपका यही काम होना चाहिए कि इन पे बेस्ड जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो ओके वेरी गुड हाई आर्मी ऑफिशियल हेलो बेटा जी नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ये इफ़ द ओरिजिन इज देंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर विद वाट इज इज टू ए टू सिक्स माइनस फोर थ्री बी माइनस टेन एंड एट फोर्टीन टू सी देन फाइन द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी जल्दी से आंसर बताओ आंसर बताइए यस yes, दीपक बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे यू नीड टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिको कॉन्फिडेंट रहो और हमेशा अपने आप में विश्वास रखो बेटा गुड पर्सन दिस इज you यू कैन डू राइट नाउ देखो आपने अपना करियर ऑप्शन चूज किया आप उसमें अच्छा करो बिल्कुल अच्छा करो कई बार क्या होता है कि आपने जितना सोचा होता है उतना अच्छा नहीं होता लेकिन थोड़ा कम अच्छा होता है तो प्रोफेशनल लाइफ चलती रहती है कभी बहुत अच्छा करोगे कभी थोड़ा कम अच्छा करोगे बट ऑलवेज

तो देखो आप तो आर्मी के एग्जाम के लिए जा रहे हो फिर तो पक्का से अभी से अभी नाम चेंज करो अपना थैंक यू चलो जल्दी से मुझे आंसर भी बताओ इस वाले क्वेश्चन का सारे क्वेश्चन कर रहे हो बेटे सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हो थैंक यू गर्वीत इफ दरिजिन इज देंट्रॉइड सेंट्रॉइड अप ऑरिजिन है ऑरिजिन क्या होता है जीरो 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 सेंट्रोइड गिवन है जीरो वर्टेस इज ए टू ए टू सिक्स माइनस फोर थ्री बी एंड माइनस टेन एंड एट फोर्टीन तू सी फॉर्मुला आप सबको बताएं जल्दी से बताओ ए बी सी की वैल्यूज मैं इलेवेंथ में भी एनडी का एग्जाम दे सकता हूं एज बेटा मेन एज होता है अगर आप उस एज ब्रैकेट में हैं तो आप दे सकते यशवंत a की वैल्यू माइनस टू बी की वैल्यू माइनस सिक्सटीन बाय थ्री एंड c की वैल्यू टू दीपक आप बोल रहे बेटा ए की वैल्यू माइनस टू बी की वैल्यू माइनस सिक्सटीन बाय थ्री एंड c की वैल्यू 7 बाय टू एक बच्चे का जो है ना आंसर में गड़बड़ है दोनों चेक करो फिर मुझे बताओ कि कहाँ पे किसकी किस मिस्टेक हुई या किसका आंसर करेक्ट है हाय किशोर थैंक यू बेटा आयुष का सी थ्री निकल के आ रहा है बिल्कुल अलग निकल के आ रहा है तीनों के सी अलग निकल के आ रहे हैं यही चेक करो एक बार तीनों किस में बेटा क्वालिफिकेशन अच्छा देखो वैसे ट्वेल्थ पास होते हैं बट आई थिंक अपियर में भी काम चल जाता है आई एग्जैक्टली डोंट नो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा बट एज इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ब्राकेट में होना जरूरी है सी की वैल्यू टू रही है दीपक सो दैट मीन्स सी की वैल्यू टू आ रही है यशवंत ठीक था आपका राइट आयुष आप एक बार चेक करो एज टू ओके मिस्टेक था दीपक चलो गुड बेटा वेरी गुड वेरी गुड टू माइनस सिक्सटीन टू पॉइजन वेरी गुड चलो पी क्यू आर है पी की वैल्यू है टू ए कॉमा टू कॉमा सिक्स क्यू की वैल्यू है माइनस फोर कोमा थ्री बी कोमा माइनस टेन एंड आर की वैल्यू है एट कोमा फोर्टीन कोमा टू सी सेंट्रोइड गिवन है जीरो जीरो तो जीरो इक्वल है टू ए प्लस माइनस फोर प्लस एट बाय थ्री के सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाया यहाँ से आया टू ए और इसको माइनस करोगे तो प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो टू ए इज इक्वल टू माइनस फोर दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू माइनस टू सबका करेक्ट है ए माइनस टू आएगा बिल्कुल नाउ दूसरा है अब जीरो इक्वल पुट करोगे टू प्लस थ्री बी प्लस फोरटीन डिवाइडेड बाई थ्री करोगे तो उधर जीरो ही हो जाएगा थ्री पी प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो बी की वैल्यू आएगी माइनस सिक्सटीन बाई थ्री ये भी बिल्कुल करेक्ट निकला है उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सिक्स माइनस टेन प्लस टू सी बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो यहां से आएगा माइनस फोर प्लस टू सी इज इक्वल टू जीरो टू सी इज इक्वल टू फोर C की वैल्यू आई टू तो आपकी ये आ गई A की वैल्यू A की वैल्यू माइनस टू बी की वैल्यू माइनसू टूर सब आ गया और किसी को डाउट है तो बताओ समझ पे आ गया बेटा चोके आमी ऑफिशियल किशोर मैम मुझे मैथ में बहुत प्रॉब्लम है बेटा देखो एक तो आपको पहले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे किशोर सारे लेक्चर्स आराम से बैठ के देखो शांति से फॉर्मलेस समझो और फिर जितना प्रैक्टिस हो सकते हो ना उतना प्रैक्टिस करो बच्चे उसमें तो बेटा आपका ट्वेल्थ अपियरिंग होगी पेपर क्लियर हो तब तक ट्वेल्थ हो जाए तो आप ट्वेल्थ में दे सकते हो इलेवेंथ में आप प्रैक्टिस के लिए दे सकते हो कि आपको पता चल जाए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है निकल गया आप चलो वेरी गुड आंसर आ गया जी वेरी गुड बेटा वेरी गुड चलो सबका क्लियर हो गया इतना नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 52 फ्रॉम द पॉइंट पी व्हिच इज 3, कोमा माइनस टू को फाइव अब मुझे पहले एक बात बताओ यशवंत पॉइसन किशोर दीपक गर्वीत नेहा ये बताओ बेटा मुझे कि y एक्सिस पर पॉइंट क्या होगा अगर मैं y एक्सिस पर कोई रैंडम पॉइंट लेना चाहूं तो वो क्या होगा बताइए हाय अभिषेक पॉइंट्स यस दीपक का आंसर करेक्ट है बेटा कंफ्यूज हो गए y एक्सेस की बात करेंगे तो y एक्सेस पर एक्स और जेड कैसे आ जाएंगे बोलो आप कॉर्नर पे तीन लाइन है आपके पास मैं किसी एक लाइन के पास जाके खड़ी हो जाऊं तो दोनों लाइनें तो वहां कैसे आएंगी यानी कि वाई एक्सिस पर सिर्फ वाई का कोऑर्डिनेट होगा एक्स और जेड दोनों जीरो होंगे एक्स और जेड दोनों बिल्कुल यशवंत बिल्कुल बेटा सो एनी पॉइंट एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस किस फॉर्मेट का होगा जीरो वाई जीरो वहां पर एक्स और जेड एक्सिस जीरो होंगे तो so, कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर इस तरीके का होगा ना हो Now, क्या गिवन है अब ये जो पॉइंट है

री गुड इट्स ओके बेटा इट्स ओके चलो आंसर दीजिए कब तक है क्लास बस और दस मिनट बेटा छह बजे तक होती है नेहा जीरो बाई जीरोस बेटा हाई डिनोमिक गेमिंग यू आर न्यू हेयर वेलकम टू द सेशन बेटा वेलकम टू द सेशन बच्चे ये पता है ना बच्चों कैसे करोगे हेलो धुन पता है ना कैसे करने वाले हो डिस्टेंस फॉर्मुला लगाना है और उसको किसके इक्वल रख देना है फिफ्टी टू के इक्वल रख देना है जल्दी से करो और बाइ की वैल्यू बताओ क्या होगी फटाफट से वेरी इनोवेटिव नया नाम बिल्कुल नया नाम बेटा वेरी हाय प्रदीप गुड इवनिंग बिल्कुल बढ़िया बच्चे बिल्कुल बढ़िया रोशन बेटा वो आ, क्या बोलते हैं उसको बेटा डज इट रियली मैटर कि हम किस पे पढ़ा रहे हैं या कैसे पढ़ रहे हैं सोचो so, बहुत बच्चे भी होते हैं जिनके पास बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं होते वो वहां पे भी पढ़ते हैं और टीचर होते हैं जिनको नहीं होते वो जाके वहाँ पे भी पढ़ाते हैं तो वट इज ट यू टीच हाव यू टीच एंड लर्नर कितने ज्यादा वो uh, पढ़ने के इच्छुक हैं है ना रोशन यूर फ्रॉम असम धुन वेरी गुड बिट एंड वेरी नाइस नेम आसम नेम यूट टू है चलो तुम फाइव रूट टू कर दो बेटा ये आई थिंक रूट फिर मिस प्रिंट हो गया होगा फिफ्टी टू लग रहा है नहीं होगा तो फाइव रूट टू करके देखो बेटा नेहा ने बिल्कुल सही कहा फाइव रूट टू है बुक में तो उस वजह से फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा होगा लंबा कैलकुलेशन जा रहा होगा थैंक यू नेहा बच्चे फाइव रूट टू है रोशन फाइव रूट टू से कर लो दीपक फाइव रूट टू है उससे कर लो बेटा थैंक यू रोशन कौन सी बुक पढ़ा रही हूँ बच्चे आज तो एनसीआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं मोटिवेशन विजय शर्मा थैंक यू बच्चे चैनल को सपोर्ट करवाइए अरे कौन क्या बेटा जी आप प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करो थैंक यू बच्चे चलो फाइव रूट टू से करो फाइव रूट टू से करो आई नो रोशन बेटा वो तो है ही देखो जब आप बोर्ड पे पढ़ाते हो ना तो बड़ा सही रहता है पूरा आपको ये जो विजिबिलिटी है बहुत बढ़ जाती है अभी मेरे पास बोर्ड है नहीं ना फिर पढ़ाऊंगी बोर्ड पे बहुत बड़ा होगा ना यशवंत फाइव रूट टू कर लो बच्चे फिर आंसर बताओ Lack कर रहा है नहीं मुझे तो ठीक लग रहा है बच्चे आई थिंक ठीक आ रहा है y 2 और -2, ऐसा आया है दीपक थैंक थैंक यू यू बच्चे पॉइजन एंड तो क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे दीपक कोऑर्डिनेट बताओ बेटा क्या होंगे वाई की वैल्यू तो इतनी निकली कोऑर्डिनेट बताओ स्टे स्ट्रॉन्ग थैंक यू बेटा नेहा कितनी बार दे सकते हैं बेटा मुझे जेई का एक्चुअली कम आइडिया है वो मैं चेक करके बताऊंगी ठीक है गर्विथ बच्चे प्लीज डोंट डिस्टर्ब ना बाकी बच्चे देखो पढ़ने आते हैं अगर आपने आपने इलेवेंथ पास आउट कर लिया तो स्टिल बाकी स्टूडेंट्स का बहुत लॉस होता है ना सो ऑलवेज ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन बी बी जेंटलमैन डेली टाइमिंग ने बेटा अल्टरनेट डेज मंडे को फिर वेंसडे को फिर फ्राइडे को पाँच बजे क्लास होती है थैंक यू रोशन वाई इज इक्वल टू टू माइनस टू बहुत बड़ा आया है ऐसा कैसे आया आंसर निकालो जीरो प्लस माइनस जीरो टू ट्वेल्थ में पढ़ाती हूँ बेटा ट्वेल्थ का तो स्पेशल क्लासेस भी होती हैं प्लस क्लासेस भी होती है और यूट्यूब पर भी होती हैं कल नौ बजे क्लास होगी

Maybe and मैं किसी बोर्ड पे नहीं बढ़ा रही हूँ मैं तो लैपटॉप की स्क्रीन से बढ़ा रही हूँ चलो अभी इसका आंसर बताते हैं क्या होगा स्क्र प्लस वाई प्लस टू स्क्र प्लस फाइव स्क्र इज इक्वल टू फाइव रूट टू स्क् प्लस इधर मिलेगा वाई स्क्वेयर प्लस फोर प्लस फोर वाई प्लस ट्वेंटी टू पच्चीस दुनी पचास बचेगा वाई स्क्र प्लस फोर वाई और ये आ जाएगा पच्चीस और नो थर्टी फोर प्लस फोर थर्टी एट एंड यहां पे आ जाएगा थर्टी एट माइनस ट्वेल्व आ जाएगा राइट इज इक्वल टू जीरो प्रैक्टिस करो सिक्स वाई माइनस टू वाई So की की और ये ये निकल के आ रही बच्चे. So आपके coordinates बन जाएंगे zero, two, zero, and zero, minus six, zero. ठीक है? ये दो आंसर है दीज आर कोऑर्डिनेट्स दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस ये होंगे बेटा ओके okay? अभी नहीं आ रहा है समझ में? Five root two given था बेटा फाइव रूट टू डिस्टेंस गिवन था उन्होंने कहा था कि एक ऐसा पॉइंट बताइए पर जिसका डिस्टेंस पॉइंट पी से फाइव रूट टू हो रोशन आप डेली क्लास अटेंड करो बच्चे एक तो और जो इंपॉर्टेंट है ऐसे नहीं आएगा कि आपको क्लास पे समझ और घर पे जाकर प्रैक्टिस नहीं की तो नहीं आएगा तो जरूरी क्या है कि क्लास में जो भी फॉर्मुला समझो जो भी चीजें समझो उसके बाद घर जाके प्रैक्टिस जरूर करो उस पर पंद्रह बीस पच्चीस तीस चालीस पचास जितने क्वेश्चन निकाल सकते हो डेली निकालो डेली मैच को टाइम दो अंशु फिर किसी दिन बताऊंगी बेटा किशोर इसका आ गया सॉल्यूशन समझ में बेटा ये पॉइंट था वाई एक्सिस पर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है जीरो वाई जीरो अब इसका पॉइंट पी से हमने डिस्टेंस निकाला थ्री माइनस टू फाइव जब फाइव रूट टू गिवन था वहां से हमने पॉइंट निकाल थैंक यू बेटा चलो मैं मैम मैंटी मैं कब होगा यशवंत बताती हूँ बेटा मैंने टाइम टेबल में डाल दिया वही मैं नोट करके फिर बता दूँ एक बार आप चेक कर लोगे फिर आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ चलो गुड सो so, एक क्वेश्चन और बचा है दिस इज योर होमवर्क और यू वांट टू डू इट राइट नाउ आ गया ओके okay.

And Q, 8, 0, 10. और ये point है आपका ये वाला आर सो यू हैोगे पहले आपको रेशियो निकालना पड़ेगा है ना क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला से तो बात बननी नहीं, नहीं है तो मान लेते केन है इसका रेशियो पहले के की वैल्यू निकालो फिर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो और इसका आंसर निकालना दिस इज योर होमवर्क एवरी वन स्क्रीन शॉट ले लो बेटा या फिर इसको नोट कर लो या एनसीआर के मिसलेनियस में क्वेश्चन मिल जाएगा इसको सॉल्व करके लाना है yes, बच्चे क्लास 11th की क्लास की है नाउ मूविंग टू द टाइम टेबल टाइम टेबल यही है प्रीति मंडे को वेंसडे को फ्राइडे को अनअकेडमी इलेवंथ एंड ट्वेल्थ पे पांच बजे क्लास होगी जैसे आज मंडे है तो नेक्स्ट क्लास वेंसडे को होगी फिर उससे नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को होगी अच्छा उसके बाद जो तीन दिन बच गए ट्यूसडे को थर्सडे को सैटरडे को इलेवेंथ की क्लास होती है लेकिन एक और चैनल है इकोबिज वहां पर साढ़े चार बजे तो जो स्टूडेंट्स मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं वो इकोबिज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं फोर थर्टी सो दैट मीन्स मंडे को पाँच बजे ट्यूजडे को फोर थर्टी कहाँ पर इकोबिज पर फिर वेंसडे को पाँच बजे फिर थर्सडे को फोर थर्टी इकोबिस पर फ्राइडे को फिर पाँच बजे और फिर सैटरडे को फोर थर्टी पर इकोबिज पर सो दिस इज द टाइम टेबल फॉर क्लास इलेवेंथ और बच्चा ब्लड दिख रहा है कि क्लियर है एम आई क्लियर टू एवरी वन और पिक्चर थोड़ा ब्लड मतलब वीडियो थोड़ा ब्लड दिख रहा है सो so इसके साथ साथ क्लास इलेवेंथ का साइंस बैच और कॉमर्स बैच शुरू हो, हो चुके हैं तो आप ये अटेंड कर सकते हो आर्ट्स बैच भी शुरू हो, हो चुके हैं घर पर हूँ बेटा घर पर बिल्कुल सही का पॉइजन बिल्कुल सही का बिल्कुल परफेक्ट रिप्लाई प्रीति क्लियर है थैंक यू बीटा थैंक यू सो क्विज ज्वाइन करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो लर्निंग आपने अनअकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है लॉग इन करना है मेन्यू बटन में जाके प्लस को सेलेक्ट करना है फिर क्या करना है ज्वाइन कर लेना क्विज को ठीक है लेवल टेस्ट में जाके क्विज को ज्वाइन कर लेना कोड क्या यूज करोगे मेरा कोड यूज करोगे विच इज एस ए वी आई टी ए सविता ओके और स्पेशल क्लासेस इस बार फर्स्ट टाइम मैं क्लास इलेवंथ के लिए स्पेशल क्लासेस लेके आ रही हूँ जिसमें हम वन शॉट रिविजन करेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू टर्म टू क्योंकि टर्म टू हम शुरू कर चुके हैं सो so, इसमें लाइव टाइम इंट्रेक्शन होता है और आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो क्वेश्चन अपलोड करके लाइव पोल क्विज होगा और लीडर बोर्ड भी देखने को मिलेगा जिसमें आप अपने फ्रेंड्स के साथ कंपीट कर पाओगे चैनल को बच्चे लाइक like करो शेयर करो सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स के साथ और नेक्स्ट सेशन में ज़रूर आना ठीक है लैक और किशोर बच्चे मेरे को लैग तो नहीं दिख रहा थोड़ा सा ब्लड दिख रहा था सो दैट्स आई एक बार अपना चेक करना एंड इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे खत्म करते फिर मिलती आपसे कल मिलूंगी इकोबिस पर ओके थैंक यू प्रीति बाय बच्चे कल मिलूंगी इको बिस पर फिर परसों मिलूंगी इसी चैनल पर पांच बजे तो कल साढ़े चार बजे मिलना पर परसों मिलना पांच बजे इसी चैनल पर तो इसी के साथ आज का सेशन करते खत्म ओके शुभम प्रीति किशोर हाय हाय शुभम ठीक है आयुष पॉइजन थैंक यू सो मच यशवंत बाय बेटा जी सी यू एंड टेक केयर लेट्स